नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश पर सीहो नगर तहसीलदार नीलम परसेंटिया के नेतृत्व में राजस्व विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और नगर पालिका की टीम द्वारा सेंट एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग की टीम द्वारा की गई कुर्की की कार्रवाई में लगभग 2 लाख रुपए मूल्य के संस्था के 15 कंप्यूटर जब्त किए गए। उल्लेखनीय के सीहो के सेंट एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा फीस वृद्धि और एक ही दुकान से छात्र छात्राओं को पुस्तकें खरीदने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सेंट एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही जुर्माने की राशि 7 दिवस के भीतर जमा करने के निर्देश दिए थे। सेंट एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 14 जुलाई 2023 को फीस वृद्धि और छात्र छात्राओं द्वारा एक ही स्थान से पुस्तकें क्रय करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में संबंधित स्कूल के प्राचार्य संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। सूचना पत्र का जवाब समाधान कारक नहीं पाए जाने पर 18 दिसंबर 2023 को कलेक्टर प्रवीण सिंह ने 4 सदस्यीय जांच दल गठित कर जांच करने के निर्देश दिए गए थे। जांच दल द्वारा संस्था प्रबंधन को शिकायतों का निवारण करने के लिए कहा गया, जिनमें संस्था प्रबंधन छात्र छात्राओं से जो फीस वृद्धि की गई है उन्हें पालकों को वापस करने के लिए कहा गया एवं छात्र छात्राओं की पुस्तकें जो कि एक ही दुकान से विक्रय हो रही है उसे न्यूनतम 3 दुकानों पर विक्रय कराने एवं छात्र छात्राओं की धार्मिक संस्थाओं पर ठेस न पहुंचाने व बच्चों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही बढ़ाई गई फीस को अधिनियम की धारा 10 अनुसार 30 दिवस के भीतर पालकों को वापस करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन संस्था प्रबंधन द्वारा आज तक पालकों को फीस वापसी नहीं की गई। निर्देशों की अवहेलना करने पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 दिसंबर 2020 के नियम 997 और 8 के तहत संस्था के संचालक प्राचार्य पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। नसुलगन से न्यूज 69 के लिए अनीस खान की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।